हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, अभी जो है हम कल आए थे नैनीताल, अपने घर से नैनीताल के लिए कल निकले थे। और कल भी मतलब वीडियो बनानी थी, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कल से, तो वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश में पता ही है वीडियो बनती नहीं है। तो अभी हमने जो है पीछे ही रूम लिया था, ये नैनीताल की जो है मॉल रोड है, इस पे ही हमने रूम लिया था और अभी हमने चेकआउट करा है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी, और हल्द्वानी से होते हुए निकलेंगे वापस अपने घर की तरफ। तो यार, जो हमने रूम लिया था वो बस ठीक ठाक ही था, मतलब सर्विस वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी उस होटल की। और यहाँ की ये मॉल रोड है, रात को आए थे, मतलब ठीक ठाक है यार, लेकिन इतना घूमने वाला कुछ है नहीं नैनीताल के अंदर। और यहाँ पे यार रात के टाइम जो है ठंड अच्छी खासी हो जाती है। और ये है देखिए यहाँ की लेक। और जैसा कि यार मैंने बताया था कि वहाँ पे यार रूम की जो है सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सके तो आप ऑनलाइन ओयो वगैरह बुक करके जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ जाके परेशान होने से अच्छा है आप पहले ही बुक कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यार कितना बढ़िया है ना जा रहा है यार यहाँ का। हेलो, वो कह रहा है हाय बोल दे। तो ये जो पूरी लेक है, इसके साथ ही जो है पूरी यहाँ की मॉल रोड है, काफ़ी बड़ी है यार, मतलब पैदल एक बारी में बंदा घूम भी नहीं सकता, इतनी बड़ी यहाँ की जो मॉल रोड है। कल जो है हम वहाँ से नोएडा से करीब 7 बजे निकले थे सुबह, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पे हम पहुँचे फिर 3:30 बजे करीब, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें कल पहुँचने में। पूछना पड़ेगा, पूछ ले कहाँ से जाएंगे। वे हल्द्वानी वाली रोड कौन सी होगी? सीधा यही। यार देखो, गूगल मैप पे जो है बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल हम आए थे, उसने हमें पता नहीं कहाँ ही पहुँचा दिया था, फिर हमें 30 किलोमीटर यार वापस आना पड़ा। गूगल मैप का ऐसा ही रहता है यार, इससे बढ़िया जो लोकल बंदे होते हैं उनसे पूछ पूछ के चले जाओ। और बाकी यार ये पहाड़ों की जो रोड होती है, इन पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है। अभी जो है आगे जाके यार आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। और जब भी यार आप लोग भी पहाड़ पे आए तो एक चीज का ध्यान रखें, रॉन्ग साइड बिल्कुल जाइए मत, क्योंकि सामने से नहीं पता होता यार कौन चीज़ आ रही होती है, बाइक आ रही होती है या गाड़ी आ रही होती है। तो रॉन्ग साइड यार जाने की बिल्कुल मत सोचे, अपनी लाइन पे चलें जितना हो सकता है। और एक बार नीचे का यार व्यू चेक करिए आप।
तो गाइस अभी धूप ठीक ठाक हो रखी है लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। और वैसे भी मैं कपड़े तो लाए नहीं, मुझे लगा वहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे भी गर्मी होगी। कल रात को तो यार ये हालत हो रही थी कि मैं अंदर चार टी शर्ट फिर उसके ऊपर एक शर्ट पहन के घूम रहा था, तब थोड़ा ठीक लग रहा था, उसमें भी ठंड लगी रही थी। और आप एक बार रोड चेक करिए यार, कितनी प्यारी रोड है। तो एक बार व्यू देखिए यार रोड का। एक तो जब धूप निकलती है उसमें जो पहाड़ है यार वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और यार जो डाउन हिल पे है बाइक जो है चलाते हैं वो ज़्यादा डर लगता है। जब चढ़ाई करते हैं तो इतना वो नहीं लगता डर, लेकिन डाउन पे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि बाइक जो है अपने आप ही भागती है और ज़्यादा ब्रेक लगाने पे फिर ब्रेक गर्म हो जाते हैं, फिर वो ढंग से लगते नहीं है। और हल्द्वानी जो है यार नैनीताल से करीब 40 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था, यहाँ से आराम से हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। और बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है, पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है बाइक में। ना ना मेरा फ्रेंड कह रहा है मैं धीरे चल रहा हूँ, तुझे चेच चलानी है तो चला ले, बताए साथ में तो जाएंगे भी साथ में यार। और अभी हम रुके थे थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और इस टाइम जो है देखो समझ नहीं आता मौसम यहाँ का कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले ठंड लग रही थी और अब इतनी अचानक से गर्मी हो गई है। और हम ऑलमोस्ट जो है नीचे आ ही चुके हैं, हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। हल्द्वानी पहुँच के हमें अपनी बाइक में फ्यूल भरवाना है। देखो कल जो हम जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता इससे कहीं ज़्यादा मतलब डेंजर था, उसमें जो है टर्न्स जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प थे बिल्कुल, और चढ़ाई भी उसमें कुछ ज़्यादा ही थी। ये रास्ता फिर भी अच्छा है, ये वाला जो है ये हल्द्वानी से होके आता है, और जो हम कल आए जिस रास्ते से हम कल आए थे वो कालाढूंगी से होके आता है। तो मैं तो कहूँगा आप इसी रास्ते से आएँ क्योंकि ये रास्ता थोड़ा मतलब इसकी रोड वगैरह भी सही है, उसकी रोड वगैरह भी ज़्यादा ख़राब थी। बाकी मुझे तो यार देखो नैनीताल में इतना कुछ समझ नहीं आया, अपने को तो बस ये है कि हमें बाइक को राइड करना होता है, इसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हमें। हल्द्वानी रह गए यहाँ से 12 किलोमीटर। और ये वाली रोड पे जो है होटल वगैरह भी हैं तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह भी मतलब सारे हैं उस रोड पे जो है थे, लेकिन थोड़े मतलब काम है उस पर क्योंकि मेन रास्ता जो है नैनीताल जाने का यही वाला है। देखो इस एरिया की रोड कितनी अच्छी लग रही है, मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, दोनों साइड पेड़ और बीच में रोड।
अब हम जो है सिटी के अंदर है हल्द्वानी में, और दिल्ली यहाँ से जो है 280 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, और हमें पहुँचने में करीबन करीब अभी 5 से 6 घंटे का टाइम लग ही जाएगा अभी। बाकी तो रोड पे डिपेंड करता है रोड कैसी मिलेगी, क्योंकि जिस रोड से हम आए थे उस वो वाली रोड में तो हमें इतना टाइम लग गया था। एक बार अपना भी चेक ही कर लेते हैं यार।